Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at Aakar Aquarium fish store that is located at Kurla East. ये जो है कुरला फिश सीरीज़ है, इसके 20 से 25 वीडियोस मैंने बनाए हैं और ये मेरे ख्याल से मोर देन 20th वीडियो रहेगा. और मैं आज इस वीडियो में आपको एक बड़ी कैटफिश दिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपको देखने को मिलेगी. हमको छोटी कैटफिश देखने को मिलती है, बड़ी कैटफिश देखने को मिलते नहीं है. तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी बड़े कैटफिश है, यहाँ पे आप देख सकते हो. और मेरे साथ आकार एक्वेरियम के रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर आकाश. हेलो आकाश, कैसे हो आप? बस ठीक है भाई. देखने को ऐसी कैटफिश जो है बहुत से स्टोर्स पे मिलती है देखने को, ये साइज़ की देखने को मिलती नहीं है. सबसे पहले मुझको पूछना है कि इसकी साइज़ क्या है इस कैटफिश की? 10 से 12 इंच. 10 से 12 इंच की. तो अक्षय भाई, सबसे पहले तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसी साइज़ की कैटफिश देखने को मिलती नहीं है. कहीं पे छोटी छोटी बहुत देखने को मिलती है. इस कैटफिश का नाम क्या है? ये रेडटेल कैटफिश है. बिग रेडटेल कैटफिश. अच्छा, जो पीछे जो है रेड टेल है इसकी, इसकी वजह से नाम पड़ा है इसको. ओके, सबसे पहले मुझको, मैंने आपको साइज़ तो पूछ ली, उसके बाद मुझको पूछना है कि छोटी देखने को मिलती है, बड़ी देखने को मिलती नहीं है, तो क्या फूड खिलाते हो आप जो इतनी बड़ी साइज़ इन्होंने मेंटेन किया है? तो हम लोग लाइव गोल्डफिश खिलाते हैं. अच्छा, जिंदा गोल्डफिश, फीडिंग गोल्डफिश होती है वो? ओके, तो हमारे जो घर के व्यूअर्स है जिनके पास छोटी उंगली के बराबर की जो कैटफिश है, अगर उनको बड़ी करनी है, जाहिर सी बात है आपकी कैटफिश देख के बहुत खुश हुए रहेंगे. उनको ऐसी आशा रहेगी कि मेरी कैटफिश भी इतनी बड़ी हो साइज़ में. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सुझाव देंगे कि उनकी कैटफिश इतनी बड़ी हो साइज में? पहले छोटी रहेगी तो उसको लाइव लड़वम खिलाने का. ओके, और थोड़ा मतलब 5-6 इंच का हो जाएगा ना, तो लाइव गोल्डफिश डाल के इतना बड़ा हो जाएगा वो. अच्छा अच्छा. ओके, स्टार्टिंग में क्या खिलाना चाहिए, मतलब पहले लाइव लड़वम खिलाने का स्टार्टिंग में? अच्छा, 5-6 इंच के बाद लाइव फीडिंग वगैरह खिलाएगा ना तो साइज अच्छा पकड़ेगा उसका. ओके, और अगर भाई किसी के पास मान लो अगर ब्लड वर्म्स नहीं है ऑप्शन, तो कुछ 2-3 ऑप्शन दे सकते हो फूड में? लाइव ब्लड वर्म नहीं तो फिर अपना श्रिम करके एक फूड आता है, श्रिम. जी जी, वो डालो तो भी चलेगा. ओके, ड्राइड श्रिम वगैरह दे सकते हैं इनको? हाँ, ड्राइड श्रिम दे दो ना, चलेगा. ओके, और अभी बात करते हैं कि किसके साथ रह सकती है, तो किस फिश टैंक मेट्स के साथ रह सकती है, किस फिश के साथ हम इनको रख सकते हैं? अपना अरवाना के साथ रख सकते हैं, पर जी जी. सिल्वर वगैरह अरवाना नहीं है, अपना एक्सोटिक अरवाना, रेक्टेल गोल्ड अरवाना, गोल्डन हाई बैग अरवाना, जैसे कि अच्छा दिखेगा इसमें. अच्छा, ऐसा क्यों भाई, कुछ बिहेवियर का प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं, पर सिल्वर अरवाना में इतना मजा नहीं आएगा. जी जी, मतलब शो दिखेगा वो. शो दिखेगा. ओके, और भाई मैं पूछना चाहूँगा कि इनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, नॉन एग्रेसिव है, सेमी एग्रेसिव है, कि कभी कभी हो सकती है एग्रेसिव? ओके, अरवाना के अलावा और कौन सी फिश हम इनके साथ रख सकते हैं? सब एग्रेसिव फिश रख सकते हैं, जैसे कि पैरेट, चिकलेट्स, ऑस्कर. ओके, पिकॉक बास, चिकलेट्स. ओके, सब एग्रेसिव फिश के साथ रहेगा, ये रहेगा अरवाना के साथ भी रहेगा, सबके साथ रहेगा. ओके, और भाई कुछ केयर के लिए बता सकते हैं कि इनकी मैं स्केल देख रहा हूँ बॉडी की, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मतलब ऐसी उठ के दिख रही है, तो इसको केयर कैसे रखना है, पानी कैसे साफ रखना है, हीटर वगैरह रखता है कि नहीं, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? 15 दिन के बाद एक बार क्लीन करने का फिश टैंक अपना. अच्छा, नॉर्मल मेंटेनेंस करना है? हाँ, और डेली दो, अब 2 बार देते तो इसको 4-4 टाइम खाना देना पड़ेगा. अच्छा, मतलब भूखी वाली फिश है? हाँ, हैवी फीडिंग देने की, हैवी फीडिंग, बहुत फीडिंग लेने वाली फिश है ऑस्कर्स की तरह. ओके, और इसके मैं देख रहा हूँ मुँह के सामने बहुत ही बड़े बड़े मतलब फिन काटे हैं इसको. जी, तो अरवानास के अलावा क्या सजेस्ट करेंगे, स्टिंगरेज वगैरह रख सकते हैं? स्टिंगरे वगैरह रख सकते हैं आप, पैरेट, बिग साइज का पैरेट, बिग साइज का ऑस्कर, बिग साइज का पिकॉक बास, चिकलेट्स. ओके, मतलब ऑल एग्रेसिव रहेगा ना वैरायटी, तो थोड़ा बिग साइज का ही रखना पड़ेगा. अच्छा, छोटा रहेगा तो छोटे तो ईट कर लेगा. अच्छा, कुछ व्यूअर्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हम लोग कैटफिश को पॉन्ड में रख सकते हैं कि नहीं, हमको पॉन्ड बनाना है, क्या सजेस्ट करोगे, इनको रख सकते हैं हम लोग पॉन्ड में? पॉन्ड में रख सकते हैं, पर वो कभी नीचे जाएंगे पॉन्ड के अंदर जाएंगे तो काट भी सकते हैं ये. ओके, मतलब सजेस्ट नहीं करोगे आप, नहीं रखे फिश टैंक में ही रखे? हाँ. और कितनी साइज की फिश टैंक होनी चाहिए, बड़ी होती है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? 6-7 फीट की टैंक रहेगी तो और बड़ी हो जाएगी. अच्छा अच्छा, मतलब व्यूअर अगर खरीदता है तो ये देख के खरीदना चाहिए बहुत बड़ी होती है, इसलिए पहले से टैंक बड़ी ले, बाद में टैंक आउटग्रो कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा भाई आकाश भाई, अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि ये 1 फीट तक आराम से पहुँच गई है, तो व्यूअर्स बहुत उत्सुक रहेंगे जानने को ये और कितनी बड़ी होती है साइज में, कितना ये मैक्सिमम साइज पकड़ लेती है, क्या उसके बारे में बताएंगे आप? 10 फीट
10-11 फीट के ऊपर होता है ये फिश। 10 फीट से ज्यादा? हाँ, 10 फीट के ज्यादा होता है ये। ओके, तो ये क्या मतलब रिवर फिश है ये? हाँ, रिवर फिश है ये, रिवर। ओके, तो 10 फीट से ज्यादा हो जाती है ये फिश। ओके भाई, लास्ट चीज, आप प्राइस इसकी बता सकते हैं या हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बोल सकते हैं प्राइस के रिगार्डिंग? प्राइस हम लोग बता नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि इसका दाम, हम लोग यही बोले कि दाम चढ़ता है, कभी बढ़ता है। ओके, अप डाउन होते रहता है। ओके, तो क्या हमारे व्यूवर्स अगर आपके शॉप पे आके उनकी प्राइस पूछे तो आप बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, ऐसे कुछ जी जी, और आप बिजी रहते हो इसलिए उसके कारण मैं आपका नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पर अगर व्यूवर्स आएंगे आपके शॉप में तो वो अच्छा रहेगा। और आपकी शॉप डिलीवरी भी नहीं करती है, राइट? तो नंबर देके भी कुछ मतलब का नहीं है, क्योंकि वो आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे तो व्यूवर्स का खाली फुकट कॉल करके कुछ मतलब का नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थी रेडटेल कैटफिश आकार एक्वेरियम फिश स्टोर में। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजे इंसेप्शंस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।